श्री श्यामदास बाबा जी मुर्शिदाबाद वृंदावन। सिद्ध श्री श्यामदास बाबा जी गंगा के मार्ग से यात्रा को निकले हैं। लकड़ी के लट्ठों को रस्सी से जोड़कर बनाई हुई एक नौका है, जिसे शायद उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया है। नौका पर वे हैं, उनके गोपाल जी जो उन्हें गंगा के गर्भ से प्राप्त हुए थे। गोपाल जी की सेवा के लिए कुछ पात्र हैं, बाबा का एक फटा कंबल और एक बेंत की डोलची है। नौका कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही, कोई नहीं जानता। नौका जाकर लगी मुर्शिदाबाद के एक घाट पे। घाट पर कासिम बाजार की रानी, स्वर्णमयी के दीवान श्री राजीव लोचन राय की कोठी थी। बाबा नाव पर से उतरे, कंबल लपेटे, हाथ में डोलची लिए भिक्षा के उद्देश्य से सीधे प्रवेश किया राजीव बाबू की कोठी में। राजीव बाबू को उनका तेज पुंज कलेवर देखकर बड़ी श्रद्धा हुई। उन्होंने कुछ चावल और सब्जी भिक्षा में दी। बाबा ने रसोई बना के गोपाल जी का भोग लगाया, प्रसाद स्वयं ग्रहण किया। दूसरे दिन बाबा के पास अतिथि रूप में चार वैष्णव आ गए। अभ्यर्थना पूर्वक उनको बैठा के वे चले भिक्षा को। उस दिन भी पहले राजीव लोचन बाबू के घर गए, उनसे बोले, राजीव तेरा भाग्य अच्छा है, चार वैष्णव मूर्ति आए हैं। राजीव बाबू सुनते ही 10 रुपये देने लगे। बाबा बोले, इतना क्या होगा, केवल 2 रुपये ले लिए। बाबा को घाट पर रहते हुए कुछ दिन हो गए। उनका निष्किंचन भाव देख लोगों ने उनके लिए आश्रम और गोपाल जी के लिए एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। बाबा के आश्रम से कोई अतिथि वैष्णव कभी भूखा नहीं लौटता, परंतु वे कुछ भी संचय करके न रखते। जिस दिन जो मिलता सबकी रसोई बना लेते, यदि आवश्यकता से अधिक होता तो भी। सोचते, आज गोपाल ने इतनी रसोई की व्यवस्था की है तो इतने वैष्णव भी आते ही होंगे। सचमुच रसोई की मात्रा के अनुरूप वैष्णव आ जाते, फिर भी वे अपनी इच्छा से कभी आवश्यकता से अधिक भिक्षा न करते। बाबा की प्रेम परिपाटी से लुब्ध हो निताई गौर राम सीता आदि और भी कई विग्रह उनके मंदिर में आके उनकी सेवा ग्रहण करने लगे। क्यों, बाबा ने आह्वान किया था उन्हें? नहीं, आह्वान नहीं किया था। बाबा की कुटिया पर आकर भीतर प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी इन्होंने? नहीं, अनुमति भी नहीं मांगी थी। तो ऐसे ही घुस पड़े, शिष्टाचार बिल्कुल नहीं जानते। जानते तो हैं पर मानते नहीं, चिरकाल से यही रीति है इनकी, साधारण शिष्टाचार से बिल्कुल उल्टी। कभी कोई बुलाए तो भी नहीं जाना और कभी कोई ना बुलाए तो भी घुस पड़ना। ऋषि मुनि ज्ञानी योगियों के कितना बुलाने पर भी न जाना और सिद्ध बाबा जैसे भक्तों के घर बिना बुलाए घुस पड़ना, बिना किसी प्रकार का संकोच किए, बिना लोकोचार या शिष्टाचार का विचार किए, हाँ बिना कुछ सोचे विचारे सीधे सरल स्वभाव से जैसे मधुकर मधु के लोभ से निसंकोच जा बैठे कमल के ऊपर या भिक्षुक अन्य के लोभ से बिन बुलाए ही पहुंच जाए जहाँ सदावत बैठता हो। बाबा के यहाँ भी तो सदावत ही लगा हुआ था, अन्न जल का नहीं, रसमयी प्रेम सेवा का सदावत। जो भी वहाँ पहुँच जाता वह उसका रस पान करके चिरभिकारी हो जाता। इनका मन उनका आस्वादन करने के लिए नानिन क्यों मचल पड़ता। इनके ऐश्वर्य प्रधान वैकुंठ लोक में इस रस के पाए जाने की बात तो दूर, इसका देखना सुनना भी क्या होता है कभी। तभी न ये घुस पड़े बाबा की कुटिया में और जमकर बैठ गए वहाँ, मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत को सार्थक करने के लिए। पर निताई गौर राम सीता और अन्य यह सब अतिथि थे कि अपनी सेवा पूजा की सामग्री अपने आप जुटा लिया करते थे, बाबा को इसके चिंता नहीं करनी पड़ती थी। एक बार सारे दिन बहुत जोर की बरसात होती रही, बाबा भिक्षा को न जा सके। अतिथि वैष्णव भी कहीं आए हुए थे, श्री विग्रह और अतिथि सब भूखे रहेंगे यह जान के बाबा दुखित हुए। श्री विग्रहों की और अतिथियों की तरफ देखकर हंसते बोले, आज क्या इच्छा है, पेट से पट्टी बांधोगे? इतना करके बहुत से तुलसी पत्र चयन करके ले आए, ठाकुरों को समर्पण करके अतिथियों के सामने रखे। बोले, आज तो भाग्य में यही दिखता है, यदि पीछे से गोपाल ने कुछ ला दिया तो देखा जाएगा। आश्चर्य, उसी समय बरहमपुर के जमींदार विष्णुचरण सेन महाशय के पिता को बाबा जी और उनके अतिथियों की चिंता होने लगी। उन्होंने प्रचुर परिणाम में खाद्य सामग्री 4-5 आदमियों द्वारा बाबा के पास भेजी। बाबा ने तत्काल रसोई बना के ठाकुरों का भोग लगाया और अतिथियों का सत्कार किया। बाबा के साथ इस प्रकार की घटनाएँ प्रायः होती रहती थी। कुछ दिन पश्चात मुर्शिदाबाद के एक भक्त वृंदावन गए दर्शन करने। इधर सिद्ध श्यामदास बाबा ने गंगा तट पर शरीर छोड़ दिया, आश्रम में उनकी समाधि बना दी गई,
समाधि की यथायोग्य सेवा पूजा होने लगी। श्री वृंदावन गामी भक्त को पता नहीं था कि श्यामदास बाबा अप्रकट हो चुके हैं। एक दिन हठात वृंदावन के किसी मार्ग पर श्यामदास बाबा से उनकी भेंट हो गई। दंडवत प्रणाम करके उन्होंने पूछा, आप कब आए? उन्होंने जो तिथि बताई वही तिथि थी जिन्होंने उन्हें शरीर छोड़ा था। बाबा ने भी भक्त का कुशल क्षेम जानने के पश्चात पूछा, तुम कब घर लौटोगे? मैं शीघ्र ही घर लौटूंगा, भक्त ने उत्तर दिया। तो देखो मंदिर में जो कांसे का घंटा नहीं है, एक कांसे का घंटा खरीद दूँ तो लेते जाना। तत्काल बाबा ने कांसे का घंटा खरीद के दे दिया। भक्त जब घर लौट गए, उन्होंने मंदिर जाके सेवायत को कांसे का घंटा देते हुए बाबा का सारा वृत्तांत सुनाया। सेवायत और अन्य सभी लोग विस्मय सागर में डूब गए। उन्होंने भक्त यात्री से कहा, बाबा का शरीर तो कभी का छूट गया, ये देखो उनकी समाधि। यात्री भी भौचक्का रह गया, भक्त का मरना कब होता है? उसका शरीर तो चिन्मय हो जाता है। श्री श्यामदास बाबा जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।